Hello guys, this is the third form of business that is called cooperative society. So first of all, I have to explain the meaning of cooperative society. Cooperative, as the name indicates itself, cooperative means any business. Cooperative word exists from cooperation. Cooperation मतलब क्या होता है? मेल जोल से. So any kind of business that is established by the member, by the members with a common goal and where there is cooperation. Cooperation comes from voluntary association also, and that kind of business where number of people, it could be more than 10, number of people join together with a common goal, and the capital subscription was done by these people with the intention of providing welfare services to the public is called cooperative society. So I think I have explained it. Cooperative society का मतलब क्या है? सबसे पहले बात है working together. Here the family members are working all together with the common goal. Common goal क्या होता है? इनका उद्देश्य ये होता है कि they are supplying a commodity to the consumer, to the members commonly with a common goal. The objective is for the welfare of public or welfare of society. ऐसी business को जहां पर society के लिए एक voluntary association होता है, किसका होता है? members का होता है, जिनका common goal होता है और public welfare इनका objective होता है. ऐसी societies को हम क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं. देखो यहाँ पे द इंटेंशन ऑफ डूइंग दिस बिजनेस इज वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज आल्सो गिवन द रजिस्ट्रेशन फॉर दिस एंड कंसेंट फॉर दिस, बिकॉज इट इज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी. देखो जहां पर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कॉम्पिटिशन होता है, बहुत कुछ होता है, तो वहां पे क्या होता है कि कस्टमर्स को जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं, क्वालिटी के तो मिलते हैं, पर उसमें बहुत सारी चीजें जो होती है वो एड हो जाती है. मिडिलमैन जो होते हैं, एडवर्टीजमेंट होती है, लॉजिस्टिक्स पे जो खर्चा होता है, वो सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज कर देते हैं. अब जब प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, तो अगर 10 रुपीज का कोई प्रोडक्ट है, वो नियर अबाउट आपको 20 रुपीज का, 25 रुपीज का पड़ता है. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हो जाते हैं. जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, ये 2.5 रुपए की, यानी कि 2.5 रुपीज का इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोको कोला हो गया, थम्सअप हो गया, ये इतनी कॉस्ट है इसकी. लेकिन उसपे जो उनको जो एंडोर्स करते हैं वो लोग, वो कुछ चार्जेस लेते हैं, कुछ मिडिलमैन लेते हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट पे जाता है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन पे जाता है, कुछ स्टोरेज पे जाता है, कुछ रिटेलर होलसेलर ले लेते हैं. तो ये प्रोडक्ट की कॉस्ट को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि वही जो बॉटल 2.5 रुपए की पड़ रही थी, अब पहले 3, अब हो सकता है 3-4 रुपए की पड़ रही हो, जिसकी रेट हमको पे करनी पड़ती है 25 रुपीज 30 रुपीज. सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्रीजेस दैट मच, है ना. सो इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी कम टूगेदर विद द इंटेंशन ऑफ डूइंग सच काइंड ऑफ बिजनेस वेयर दे हैव रिड्यूसेस द मिडिलमैन. अब वो क्या करते हैं? स्ट्रेट अवे प्रोड्यूसर से वो कमोडिटीज ले लेते हैं, परचेज करते हैं बल्क में. बल्क में परचेज करते हैं. देखो छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, कई बार उनको प्रोड्यूसर्स कमोडिटीज, क्योंकि
डिमांड कम होती है तो वो कमोडिटीज कम सप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोऑपरेटिव में देयर आर एटलीस्ट 10 मेंबर, एटलीस्ट 10 एडल्ट मेंबर, दैट इज एसेंशियल। 10 से तो ज्यादा ही होने चाहिए, 10 तो होने ही चाहिए। सो दे आर ज्वाइंटली सब्सक्राइबिंग देयर मनी इन द कंपनी, तो फिर क्या होता है, मनी भी एक्युमुलेशन अच्छा खासा हो जाता है और दे आर डिमांडिंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। एटलीस्ट बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं अंबानी इसकी तरह, पर हाँ एक क्वांटिटी जो स्मॉल इन्वेस्टर्स से ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करते हैं, तो डेफिनेटली द प्रोड्यूसर विल सप्लाई दीज कमोडिटी टू देम डायरेक्टली। तो जो बीच का जो चेन था वो कम हो जाता है और वो कम होने की वजह से अ प्रोडक्ट कुड बिकम चीप। तो आई थिंक आई हैव अंडरस्टूड। हम यहाँ पे क्या होता है, इन कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली द मेंबर्स कम टूगेदर एंड व्हाट देयर इंटेंशन इन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि पब्लिक को प्रोडक्ट्स हो गए, सर्विसेज या जो भी उनका इंटेंशन हो, जिस भी टाइप की वो कोऑपरेटिव हो, है ना, सो दे सप्लाई दैट कमोडिटी टू द पब्लिक एंड एट लेस कॉस्ट, लेस कॉस्ट पे वो कमोडिटीज को सप्लाई करते हैं। पब्लिक को क्या होता है, पब्लिक विल गेट क्वालिटी प्रोडक्ट एट चीपर प्राइस। एंड क्योंकि गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट के थ्रू ये रजिस्टर्ड होते हैं, सो एवरीबडी रिलाय ऑन दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो गवर्नमेंट भी इसमें इनिशिएट लेती है बिकॉज इट विल हेल्प द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो टू द पब्लिक ऑल्सो, है ना। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट इज ऑल्सो इनिशिएटिंग एंड इट इज कंपल्सरी दैट देयर इज अ नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो यहाँ पे अभी मैंने आपको दो तीन चीजें बता चुकी हूँ मैं। हेयर द इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द मेंबर्स आर वर्किंग टूगेदर एंड विद अ कॉमन गोल एंड दैट इज वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ दीज मेंबर एंड देयर मोटिव इज, देयर ऑब्जेक्टिव इज सप्लाइंग पब्लिक वेलफेयर टू द सोसाइटी। ओके, सो नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन अंडर दिस कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। सो दिस इज अ एक्ट विच इज अप्लाइड ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी। एवरी कंपनी दोज cooperative societies that want to register that they have, it is compulsory, the existence of cooperative society only lies when the registration will be done. Okay, now next is members. In this cooperative society there is a provision that by the law, in the act it is mentioned that it is compulsory that there should be at least 10 or more adult member, 10 or more adult member should be there in the society, then only the registration will be done. Then capital is subscribed by these member only. They have taken, they have given the money to the society and a accumulated fund will be there. वहाँ पे बहुत सारा fund जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है और उसके थ्रू क्या होता है, ये लोग बिजनेस जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एक एक्यूमुलेटेड सम हो जाता है, वही से ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो चलाई जाती है। एंड इट इज आल्सो गवर्न्ड एंड कंट्रोल्ड बाय फैमिली मेंबर्स, सॉरी इट इज गवर्न्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कोऑपरेटिव मेंबर्स ओनली। सो यहाँ पे फीचर्स में आ जाएगा। ओके, सो आई थिंक एवरीबडी हैज अंडरस्टूड इट कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ काइंड ऑफ बिजनेस विच इज रन बाय द मेंबर्स, कोऑपरेटिव मेंबर्स। इट इज एसेंशियल दैट दिस काइंड ऑफ बिजनेस शुड बी रजिस्टर्ड फर्स्ट अंडर कोऑपरेटिव एक्ट 1912 एंड व्हाटएवर द capital is there in the business is
is taken over or was subscribed by the members only, and it is a kind of business where welfare of society. Okay, it is membership is open for all. It means a member, anybody who are interested or who want to do something for the society, they can be invited. And how they could be invited? By subscribing some money and be filling the registration form, and they'll be the member of cooperative society. In that way, the member, it is open for everybody. Anybody could be the member of cooperative society. But it is essential that he or she should be adult or have a clean character. Now, next is features of cooperative society. So, it has a legal status. देखो, cooperative society है, उसका existence ही कब आता है? जब वो registered हो जाती है. तो जब तक वो registered ही नहीं है, तो उसकी existence ही नहीं होता है, incorporation ही नहीं होता है. So, it is existence, the existence of cooperative society is there only when registration is done. So, any cooperative society can start their business after registration only. Then, voluntary membership, I have explained over here also. In this cooperative society, anyone could be the member. It is open for everybody. Those who are interested in the cooperative society, they can subscribe money or by the permission of all the members and doing a certain formality, anybody could be the member of cooperative society. So, it is open for anybody, but the thing is, the person should be adult or it should not be, the person should not be insane or mentally sound or having a good clean character. Now next is limited liability. In cooperative society, as I have mentioned over here, the capital subscribed by the member. So therefore, the profit, if whatever the profit, whether they are not earning too much of profit, but at least they are getting little bit of profit also. So, that profit is very minimal, but the profit, they are charging little bit of it. So, profit is shared by the member in their subscribed capital as per the capital subscription given by those members. They are sharing the profit as well as liabilities as well as losses, everything. So that will be a liability. Inki kahan par limit hoti hai? Jitna inhone capital subscribe kiya hota hai, utni hi inki liability banti hai related to business. Then service motive, because these are the organization which is for the welfare, voluntary organization which is for the public welfare. So, basic objective is supplying quality or standard commodity to the public. Anna? Public ko quality product at cheaper price provide karne ka hi inka motive hota hai. Aur isi intention ko dekhte hue government ne isko registered kar rakha hai. Anna? To inka service motive hota hai. Then control by the elected member. As you know that cooperative society, only anybody can be a part of this society when they will be a member only. Hana, member hote tabhi uske society mein wo enter ho sakte hain aur uska part ho sakte hain. So, yahan pe bhi wahi hai. So, those that have different potential, that have taken the authorities
parts, everything will be distributed as per the potential of society members. Society members के accordingly ही वो jobs को distribute कर लेते हैं. So as per their potential, somebody is looking out accounts, somebody is looking out the purchases, somebody is looking out distribution, somebody is looking out the infrastructure. Lot of things are there. And jointly they are running a business. और इसीलिए जो भी activities होती हैं in business, that is controlled by the members only. Means any decision that is taken over by in the business is taken over by the society members only. है ना, वो majority से भी हो सकते हैं, है ना, वोटिंग से भी हो सकता है. बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, भले आप कितना भी कैपिटल लेकर आए लेकिन वोट जो होता है ना वो सिंगल वोट ही होता है. इंडिविजुअल कैन कास्ट अ वोट इंडिविजुअली, सिंगल वोट. सो हेयर ऑल्सो द डिसीजन इज बेस्ड ऑन मेजोरिटी एंड इट दे हैव फॉलोइंग द प्रैक्टिसेस ऑफ डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक में क्या हो गया कि भाई सबको बराबर का अधिकार देना है, वेदर वॉट एवर देयर कैपिटल सब्सक्रिप्शन इज, उससे कोई मतलब नहीं है. पर इनका डिसीजन जो होता है वो मेजोरिटी से लिया जाता है. एंड दिस इज कंट्रोल्ड एंड गवर्न बाय द कोऑपरेटिव मेंबर्स ओनली. सो दिस इज, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, हाउ इट इज एस्टैब्लिश्ड, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, व्हाट इज द मोटिव ऑफ इट and how they are subscribing it, capital subscription कैसे होता है, how many members are there and how what are the basic features, how they are running a business and what are their liabilities also. So I have mentioned limited liability also over here. So this is cooperative society. Once again मैंने आपको एक example दिया था cooperative society का function कैसे होता है. देखो अगर हम यहां से देते हैं, यहां पे हम इसको लेते हैं मैन्युफैक्चरर आता है, फिर होलसेलर आता है या डिस्ट्रीब्यूटर आता है. फिर होलसेलर, फिर रिटेलर एंड देन कस्टमर. अब ये जो चेन चलती है मैन्युफैक्चरर के बीच में, इट कुड बी इंक्रीज्ड और इट कुड बी डिक्रीज्ड. ये तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, दीज आर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. एंड इन द मीनवाइल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज आर दोज पीपल. फिर इनके बीच में ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, वेयरहाउसिंग भी होता है, एडवर्टीजमेंट भी होता है, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स भी होता है. सो ऑल दीज थिंग्स विल इंक्रीज द, ऑल दीज आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना. और हरेक का जो कमीशन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का भी कमीशन है, देन होलसेलर का भी है, रिटेलर का भी है. और अल्टीमेटली वॉट एवर द एडेड कॉस्ट इज देयर in the cost of production, whether it is direct cost or whether it is indirect cost, that will be bear by customer only. अगर हम ये सारी चीजों को हटा दें, है ना, और सीधे ये जो product है वो manufacturer से customer तक पहुंचा दें through cooperative, members, तो क्या होगा, ये जो चेन है ये कम हो जाएगी और बीच में जो कमीशंस थे दैट विल बी रिड्यूस्ड. और उससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो चीपर होगा. मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, तो कोई कोल्ड ड्रिंक्स का, जो भी आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनका, या फिर अदर बहुत सारे बेवरेजेस आइटम्स भी होते हैं, इनके अलावा बहुत सारे कंज्यूमर आइटम्स भी होते हैं, सो मेनी थिंग्स आर, है ना. सो
that will be reduced, and that's how cooperative society are working. Okay, so this is all about cooperative society. Thank you.